विधायक हरविंदर कल्याण ने घरोंडा अनाज मंडी का जायजा लेकर किसानों, आरटीओ और श्रमिकों की समस्या जानी। इस दौरान विधायक ने मार्केट कमेटी में अधिकारियों की बैठक भी ली। आपको बता दें कि किसानों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर करीब डेढ़ घंटे तक बैठक चली। विधायक ने किसानों और मजदूरों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि मंडी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इस दौरान उन्होंने सरकार की हिदायतों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का आह्वान किया। आपको बता दें कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होते ही किसान बिना मैसेज के ही मंडी में फसल लेकर पहुंच गए थे। मंडी में कांटे पर ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए किसानों के गेहूं की तुलाई प्राइवेट धर्म कांटों पर करवाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी तरह से मंडी की व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया। यहां आपको बताते चले कि मंडी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए विधायक हरविंदर कल्याण अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों, श्रमिकों व किसानों की समस्याएं सुनी। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। का काम सुचारू रूप से चले उस नाते से आज की ये बैठक, जिसके अंदर हमारे आढ़ती भाई भी थे और प्रशासन भी उसके अंदर था, और एक पिछले जो कल से ये खरीद का काम शुरू हुआ है उसमें कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, तो ऐसी सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा हुई है और उसके समाधान के लिए जितने भी सुझाव आए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए उनके समाधान का भी हल यहाँ पे चर्चा में आया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी ये गेहूं खरीद का जो कार्य है ये सुचारू रूप से चले, इसमें सभी मिलके इसमें अपना सहयोग करेंगे। और एक व्यवस्था जो बनाई है प्रशासन और आढ़ती भाइयों ने मिलके, उस व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने का काम, उसमें सभी सहयोग करके उसको चलाने का काम करेंगे। और मैं इस मौके पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपात स्थिति में जो एक व्यवस्था बनी है जिसमें एक सामाजिक दूरी बनाने का विषय है, सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमारे जीवन को बचाने के लिए, एक बचाव कोरोना से रखने के लिए जो निहायत ही ज़रूरी है, तो ऐसे व्यवस्थाओं के अंदर थोड़ा संयम रखने की सबको ज़रूरत है, चाहे वो हमारे आढ़ती भाई हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं। और जो व्यवस्था इस सब बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, उस व्यवस्था के बीच में रह के, उसके अंदर रह के हम लोग सभी कार्य करें। ये सीज़न थोड़ा लंबा पहले के मुकाबले ज़रूर चलेगा, मगर ठीक तरीके से सारी खरीद होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बार बार उनकी तरफ से भी बात आती है कि सरकार किसान का एक एक दाना फसल का खरीदने का काम करेगी, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल इस कारण से कि जो एक स्पीड कम होगी इस बार सीज़न की, उस कारण से कहीं किसानों को भी फसल को संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब उनका नंबर आएगा, जब यहाँ से शेड्यूल के हिसाब से उनको मैसेज जाएगा, तभी उनको अपनी गेहूं लेकर आनी चाहिए, तभी फसल लेकर आनी चाहिए। बिना जानकारी के कोई भी अपनी फसल को लेकर ना आए, क्योंकि इसमें सभी के जीवन के का सवाल है, सभी ने एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और उसी तरीके से व्यवस्था को बनाया गया। देखिए, किसान भाई बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये आपात स्थिति की व्यवस्था है, और क्योंकि एकदम से सारी व्यवस्थाएं उस तरीके से सरकार खड़ी नहीं कर सकती, इसीलिए मंडी की भीड़ कम हो इसी कारण से बाहर सेंटर बनाए गए हैं, ताकि कुछ किसान वहां पर अपनी फसल को डाल लें। इसी तरीके से कांटे की भी जो बात है, कांटे भी अगर एक ही कांटे के ऊपर सभी किसान आएंगे तो वहां पर भी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग फेल हो जाएगा, जो कि एक WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमने काम करना है, सामाजिक दूरी भी हमने बना के रखनी है। ऐसे में अगर प्राइवेट कांटे भी काम करते हैं तो प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कहीं पर भी तोल में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको तुरंत ठीक किया जाएगा। आज हमारे विधायक भी आए थे अपनी मार्केट कमेटी ऑफिस में, SDM साहब थे, हमारे चेयरमैन साहब थे और मंडी एसोसिएशन के नुमाइंदे थे, तो गेहूँ खरीद को लेकर इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई। तो विधायक जी का कहना ये था कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इस महामारी के अंदर हमारा उद्देश्य सिर्फ गेहूँ खरीदना नहीं है, हमें जान की भी रक्षा करनी है। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रशासन, जो पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी के हिसाब से हम प्रोक्योरमेंट में कार्य करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जमींदार मंडी में आए, अपनी फसल अनलोड करे और तुरंत अपने घर चला जाए, ताकि जो है ना वो उसको किसी भी तरह की जो है ना बीमारी का सामना ना करना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। किसान फ्री हैं, कोई भी अपनी फसल लेकर आ सकता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पुलिस को ये हिदायत दी गई है कि सभी किसानों को मंडी मार दे। तो मार्केट कमेटी के अपने चार धर्म काटे हैं, चालू बेवरी हमारे चालू हैं,
और मंडी एसोसिएशन का सुझाव था कि जो हमारे फार्मर्स आ रहे हैं मंडी के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि एक बार वो अपनी भरी तुलाई कराएगा फिर खाली कराएगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फार्मर भी जल्दी फ्री हो जाए तो हमारे शहर के अंदर जो और प्राइवेट काटे हैं वो भी हमने ऑथोराइज कर दिए। ये किसान की मर्जी है वो प्राइवेट पर तुलवाए या मार्केट कमेटी पर तुलवाए, वो इंडिपेंडेंट है। परचेज सेंटर हमारे दो तो पहले ही थे, मुनक और बस्ताड़ा, उसके अलावा 3 राइस मिलों में चल रहे हैं हमारे। जय हनुमान राइस मिल में है, श्री जगदम्बे एग्रीकोटेक में है, और ओम राइस मिल में फिलहाल ये चले हुए हैं। आज विधायक जी के नेतृत्व में एसोसिएशन से जो मिली थी उन्होंने डिमांड रखी कि जो बस्ताड़ा स्टेडियम है वहाँ पर कच्चा ज़्यादा है और हमारा मौसम बारिश वगैरह का रहता है कि वहाँ फसल खराब होने का अंदेशा है, इसलिए जो सब्जी मंडी और कोऑपरेटिव बैंक के साथ हमारी जो ये कई एकड़ खाली जमीन पड़ी है यहाँ पर भी जो है ना एक खरीद केंद्र की व्यवस्था कर दी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.